हमारे साथ तुम्हारे गुमान जागते हैं कि जैसे आजकल नौजवान जागते हैं। अगर हो नाम करप्शन के चंद केसों में तो रात भर बेचारे मुल्जिमान जागते हैं। हुकूमत लचक ही नहीं दिखा रही। फिलहाल आ रहे हैं वासे चौधरी। सुनते कानों और धड़कते दिलो, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? एकदम ठीक। बड़े जहीन लग रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, खाली जहीन नहीं, दलेर भी हैं। अच्छा, एक दफा बकरी पे जा रहे हैं, स्पीडो स्पीड। अच्छा। मैं क्या बकरी पे कहाँ जा रहे हैं? कहते सौरे को बदला लेने जा रहे हैं। मैं तो कभी आप पे बैठा ही नहीं हूँ। एक दिन डॉक्टर ना लड़ते, क्यों उन्होंने जाके कहते सनी टैदर आया, वो कहते है, कहते हाथ धो के मेरी पिनिया से घुट दे। एक दफा डॉक्टर के पास गए तो कहने लगे मेरे सर में बहुत दर्द है। अच्छा। उन्होंने कहा गोली खाएं, तो पिंड च किसी ने लड़के लाते गोली खा ली। बैकरी से जा कहते मैं बेहोश बिस्कुट देते, कहते क्यों? कहते मैं चाय डबोना बेच जा पी। वैसे भाई मैंने कहते यार हालात खराब से, अरे ईद के कपड़े ही नहीं ले। मैं बैंक तो लोन ले लेना सी, कहते लै तो लेना मेरे बच्चे कार्टून पाते। मुझे बुलाते हैं आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एमपी हैं, पंजाब के साथ साथ चेयरमैन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन भी हैं, जनाब सरदार आफताब अकबर खान। और उनके साथ हमारी दूसरी मेहमान इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिक्स पढ़ने के बाद अब इन्फ्लुएंसिंग और ब्लॉगिंग कर रही हैं, मोहतरमा हिमाया लतीक। वेलकम टू द शो जी। बिल आखिर मैडम हमारे शो में आ ही गए, और इंतहाई इंतजार के बाद एक खूबसूरत शेर लाया हूं जी भाईजान के लिए। जैसे मेरा सोना शहर मुल्तान, ऐसे मेरा मीठा शहर चकवाल। शहर चकवाल तेरे मीठे लबो लहजे की खैर, रेवड़ियां तेरी बहुत याद हमें आती हैं। आफताब उभरा है जो आज तेरे मस्कन से, उसकी किरणें मेरी दुनिया में उतर आती हैं। अपने ढिड की भुखली लोग हीरे गिरवी रखे, ते हर होटल ते छोटे छोटे बच्चे गिरवी रखे। आजादी ली सिर दिते सी, पर कादी ए आजादी, अज भी थां थां सरमायादारा ने कामे गिरवी रखे। वो पास ही है मगर सताने गए हैं, बुरा वक्त चल रहा है लम्हे सुहाने गए हैं। एक बात हमें सच बता दे सरदार साहब, तरीन साहब वापस आएंगे या मियां साहब की तरह पक्का इलाज करवाने गए हैं? बड़ा जबरदस्त सवाल है। अच्छा, लेकिन आप लाहौर रहते हैं, आपको ज्यादा पता है। आप लाहौर में रहते हैं, आपको ज्यादा पता होगा। जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में रहते हैं उनको नहीं हुआ। चकवाल थे अफगानिस्तान है गाना जी। जी जी। सर गुजारिश है कि इस मुल्क आजकल तक कोई चीज ऐसी नहीं कि जो ना हो सके। हो सकता है मियां साहब नाल इकट्ठे ही आ जाएं, ये भी हो सकता है। एको पार्टी वो जहां भी गए लौटे तो मेरे पास इंशाल्लाह। आफताब साहब क्या हाल चाल है आपके? सर मेहरबानी, आपने शो देखा हुआ है जी काफी दफा, और आपको अंदाजा तो होगा। अल्हम्दुलिल्लाह काफी है सर, बस ठीक है। और इंज लग रहा है तुसी प्रोग्राम नहीं कर रहे, साडा पता लेना है जे तुसी। हिमायल आपने देखा हुआ है? जी बिल्कुल देखा हुआ है। बताइए क्या आपको पसंद आया इसमें, अगर कुछ आया? मुझे इनकी कॉमेडी काफी पसंद है, और मेरे अब्बू को ये शो बहुत पसंद है। अब्बू को शो बहुत पसंद है। ये दुनिया के अब्बू ना हम तो साडा शो परसों बंद हो गया। आपकी बातें भी समझ आ रही है, सो गुफ्तगु में आसानी होगी। सरदार साहब ये बताइए की हालात कैसे चल रहे हैं चकवाल में? अल्हम्दुलिल्लाह
ठीक है, रेवड़ियां सस्ती हुई हैं। सर क्या बातें पूछ रहे हैं आप, उनसे कुछ काम की बात पूछे? नहीं, चीनी महंगी हुई है इसलिए पूछ रहे हैं सर कि चीनी रोज बरोज महंगी है तो रेवड़ियां भी हो रही हैं कि नहीं? और नहीं सर, रेवड़ियां फिलहाल थे हैं, जैसे जो जो हुक्म दे सो इंशाल्लाह उसे रेट पे पहुंचे उठे पियाने कोई नहीं ला रहे हैं। चकवाल महंगा हुआ सर, हर चीज वो तो पूरे मुल्क में महंगी है, चकवाल को मुल्क से बाहर तो नहीं। सर ये बताया कि बाकी हालात जो है आप खुश हैं उससे, हुकूमत सही चल रही है? सर बस अल्लाह करे हमारे खान साहब एक मिशन लेके आए थे इस मुल्क में, वो बेहतरी ला सके और अपने मिशन को पूरा कर सके। नहीं वो तो खान साहब का मिशन है, मैं तो पंजाब के अंदर आप लोगों का पूछ रहा हूँ। सर हम भी खान साहब की टीम है ना सर। नहीं नहीं तो वो टीम खुश है कि हालात सही चल रहे हैं, कोई मसला तो नहीं है? इख्तियारात का तो जंग ये पूरी दुनिया जब से ये दुनिया बनी है सर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा क्लैश नहीं है। क्लैश नहीं है? नहीं है, सही चल रहे हैं ना, कोई ऑपोजिशन वगैरह भी तंग नहीं कर रही, बिल्कुल स्मूथ सेलिंग इस वक्त हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब दो साल बाद सुते उठे जे स्मूथ सेल, नहीं आपके लिए टाइट है, वो कह रहे हैं कि जब सही चल रहे हैं तो आप मान जाए ना भाई। वो तो सरदार ने ना, वो तो माशाल्लाह ठीक स्मूथ सेलिंग है। आप एवं और ये एवं ऑपोजिशन वाले ना बीच में ना किया करें बातें, हम तो पीटीआई ये कर देंगे वो कर देंगे, हम कुछ भी नहीं, वो सही खुशपास चल रहे हैं सारे, आप उनको चलने भी नहीं दे रहे। तो अब अगर इन हालात के साथ ही अब अगले तीन साल गए तो फिर तो कारकर्दगी जबरदस्त होनी चाहिए। इन हालात के साथ तीन साल गए तो फिर सवालिया निशान है इस पे, बेहतरी आनी चाहिए। नहीं बेहतरी मैं वही कह रहा हूँ, जबरदस्त कारकर्दगी रिजल्ट तो एवेंचुअली फिर जबरदस्त निकलेगा, ना ऑपोजिशन है ना कोई मसला है, हालात सही है। क्योंकि मियाँ साहब के जमाने में तो कंटेनर था ना, तो मियाँ साहब कहते कंटेनर से उतरते नहीं, मैं क्या काम करके दिखाऊं। मगर आपके जमाने में कोई कंटेनर नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल सी है, सो द रिजल्ट शुड बी डिफरेंट। बस अब दुआ करें कि हम भी एक तो पूरी दुनिया में इस डिजीज की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए तो इस मुल्क में वैसे भी हालात ऐसे ही वो ज्यादा है, दुआ करें उससे निकल जाएं तो इंशाल्लाह जरूर। आपकी बुजदार साहब से मुलाकात है? जी जरूर है, होती है अक्सर, होती है, होती है। चीफ मिनिस्टर हाउस जाते हैं या असेंबली में जब वो आते हैं? सर असेंबली में मुलाकात होती है, उनके ऑफिस में भी होती है। अच्छा, आपकी काफी बनती होगी उनसे? सर इसलिए बनती है कि वो हमारी क्लास का बंदा है, सफेद पोश जमींदार है, नाम का तो वो भी सरदार है, मैं भी हूँ। अच्छा, लेकिन तुसी शुक्र है थोड़ा जा बोल देते जे ना उन्होंने उसी सिर्फ सुने नहीं सर, 10 मिनट की तकरीर सुनी, उसके बाद 2 साल च नहीं कभी सुनी। अच्छा तो आप भी वो वाले सरदार हैं, वो भी वो वाले सरदार हैं, मगर ये वो वाले सरदार नहीं है जो के जो एक बहुत बड़ा नाम होता है ना सर। हाँ, हम छोटे से जिम्मेदार हैं, सफेद पोश जिम्मेदार हैं, एक अल्लाह ताला ने और अपने इलाके के लोगों ने इज्जत से नवाजा है इस नाम से। दुआ करें कि ये जिंदगी उनके इस दिए टाइटल को इज्जत से गुजारने की तौफीक दे इंशाल्लाह। इमाइल ये बताएं, आपने आयर और पॉलिटिक्स पढ़ा हुआ है, आपका क्या ख्याल है पॉलिटिक्स के बारे में जो आजकल हो रही है? उन्होंने पढ़ी अमल नहीं किया। नहीं मगर व्यू तो होता है ना। व्यू यही है कि पीटीआई ने काफी होप्स दी थी लेकिन अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा, पर ऑब्वियसली इनके टाइम में भी काफी प्रॉब्लम्स आई हैं जैसे कि कोरोना और एवरीथिंग, तो मे बी इन द फ्यूचर बेहतर हो सके। बट मुझे एक बात बताएं, आप ब्लॉगिंग करती हैं और यू आर इन्फ्लुएंसर, पहले तो ये बताएं कि ये ब्लॉगिंग कौन सी वाली करती हैं, वो जो तस्वीरों के नीचे बड़ा सा लंबा सारा कैप्शन लिख के उसको ब्लॉगिंग जो कहते हैं या असल वाली ब्लॉगिंग होती है? असल वाली भी करती हूँ, पिक्चर के नीचे कैप्शन लिख के भी करती हूँ, मेरी वेबसाइट भी है। अच्छा, यानी कि जहाँ पे आप बाकायदा तौर पर लिखती हैं, सिर्फ ये नहीं कि इस तस्वीर के अंदर क्या हो रहा है, शायर ने पूछा है कि इसका खुलासा करके दे, जो आता था ना बचपन में सवाल ऐसा कि इसकी सलीस उर्दू, वो वाला नहीं, असल में भी ब्लॉगिंग, यू एक्चुअली राइट। बस वो लिखे शेर में सर्दी में कप कपा रहा था, भाई तू स्वेटर लाला लिखने दी की जरूरत है? जो शेर लिखे होंगे ना कि मैंने, आर्ट फॉर्म होती है, आपको क्या पता इन बारे में? मैं उसके घर गया तो उसने दरवाजा नहीं खोला, बाद में पता चला बाहर कुंडी लगी हुई थी। अच्छा तो आप ब्लॉगिंग एक्चुअली में करती हैं? जी जी बिल्कुल। और मुझे बताएं, व्हाई डिड यू परसू द आईआर इन पॉलिटिक्स? I had to do my CSS, लेकिन मैंने फुल टाइम ब्लॉगिंग और इन्फ्लुएंसिंग को चुना बिकॉज यहाँ पाकिस्तान में इतनी अच्छी तरह से कोई कर नहीं रहा था और I'm really passionate about it and I wanted to pursue it and that is why I was doing it. You're not that passionate about CSS or the politics and IR degree anymore. I was. आपको काम करके पता चल जाता है ना कि आप किस चीज़ में बेहतर हो। मैंने वो पढ़ लिया क्योंकि मुझे उसके बारे में जानने का शौक था, तो वो मैंने academics में कर लिया, जो professionally वो मैंने किया वो मैंने influencing और blogging को कर लिया। Qualification कितनी की आपने? BSc in IR and politics. जिन्नी से ये तो किताबा तड़ियाँ और कोई चुकता होगा। नहीं मैं उठा लेती। कैसर पिया साहब, ये
आजकल का जमाना है लैपटॉप के अंदर आ जाता है आपका सारा सिलेबस, आप क्या किताबें शिताबें उठाने में लैपटॉप होना होता किताब ना तो और क्या, हाँ उसमें अंदर सारा कुछ हो जाता है ना, उसके अंदर सारा कुछ आया था है ना, सही कहा मैंने? नहीं मैंने किताबों से पढ़ा है। अच्छा आप किताबों से पढ़ी हुई है, ठीक है, लैपटॉप आपने बाद में इस्तेमाल करना शुरू किया। क्लास से इन्होंने पेंसिल पेंसिल टीचर कहते होंगे पतले ही दिमाग चला। सर वैसे आपका कोई और शौक है सियासत के अलावा? अपना बिलियर्ड क्लब है चुकवा जिम्मेदारी से ये क्या ये कैटल फार्मिंग इस टाइप, उसके बाद जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ये इस फील्ड में आ गया पॉलिटिकल फील्ड में। नहीं सर ये तो पॉलिटिक्स और वो होगी ना, मैं आपके बारे में, आफ्ताब साहब अपने लिए क्या करते हैं जिम्मेदारी से? सर उसके अलावा कभी टाइम बचता हो तो कोई किताब पढ़ने का शौक, कोई और कोई एक्टिविटी आपके हो उसके अलावा? सर मैंने बताया फार्मिंग से मिलते जुलते काम करता हूँ, कभी घोड़ सवारी कर ली थोड़ी बहुत। घोड़ सवारी करते हैं आप? शौक की हद तक। असि कह रहे सवारियां लेके जानियां। अच्छा तो घोड़ सवारी का शौक है आपको? घोड़ सवारी में घोड़े, अच्छा घोड़ा रखना, कैसा लगा आपको? अच्छा ड्रामा। अच्छा है जी। तो कोई फीलिंग आई आपको अर्तुगरुल वाली के? मुझे पिछले दिनों यहाँ पे आए हुए थे आपकी पार्टी के एमएलए थे, उन्होंने कहा कि खान साहब को मैं देखता हूँ मुझे उनमें अर्तुगरुल नजर आता है। अर्तुगरुल ने भी सर एक बड़ी लंबी स्ट्रगल की है खान साहब की तरह, और बड़ी लंबी स्ट्रगल के बाद उसने एक अपने कबीले को एक मुल्क दिए, और जो उसने कई सैकड़ों साल फिर हुकूमत की है। आपने देखा हुआ अर्तुगरुल? नहीं मैंने नहीं। आप नहीं देखनी इतना अपने घर के हालात वेखन के अर्तुगरुल वेखन यार। जी जी बताइए। काम से टाइम नहीं मिलता तो इसलिए। काम से टाइम नहीं मिलता, क्या काम इतना के टाइम नहीं मिलता? इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगिंग में काफी टाइम लग जाता है, वीडियोस बनाने में पिक्चर्स लेने में। अगर कोई तो हमारे अपने लिए भी टाइम होता होगा, मशीन भी लानी होती है। मैंने स्पेशली ऐसा चुना है जो मेरे लिए। मगर क्या करती है अपने लिए जब टाइम निकलता है कोई? ये मैं शौक से करती हूँ। नहीं नहीं आप शौक से करती हैं, लेकिन उसके अलावा क्या करती हैं? कोई एक्टिविटी है अपने लिए भी? उसके अलावा यूट्यूब या नेटफ्लिक्स देख लेती हूँ, लेकिन अर्तुगरुल अभी तक नहीं देखा, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट थी तो मुझे इंटरेस्ट नहीं पड़ा। क्या सबटाइटल्स वाले आप नहीं देखती? नहीं। तो आप उर्दू में डब हुआ पीटीवी पे देख लें? उर्दू में डब हुआ भी नहीं पसंद। जब उर्दू में डब आपने देखना नहीं है, सबटाइटल आपने पढ़ना नहीं है, इंग्लिश नहीं देखा, इंग्लिश वाले देख लेती हैं। हां इंग्लिश वाले। तो आप क्या देखती हैं शौक से? इस वक्त तो मुझे ही देख रही हैं। नहीं अभी नहीं। जी बताएं आप क्या देखती हैं? कौन सी मूवी? इंडियन मूवी देखती हैं। इंडियन मूवी देखती हैं? कौन सी है आपकी फेवरेट फिल्म? नहीं मैं पुरानी इंडियन मूवी देखती हूँ। कितनी को पुरानी? जिन्हें ज्यादा लगा है यार, रुक जाना यार एक मिनट। कौन कितनी पुरानी? अमिताभ बच्चन और रेखा के दो। तो कौन सी आपकी फेवरेट फिल्म है अमिताभ साहब की? मुझे नाम नहीं याद। कैसी फेवरेट हुई कि आपको नाम ही नहीं याद? मुझे नाम नहीं याद रहते। आपको किसका नाम याद रहता है? अपना। मुझे लोगों के नाम भी नहीं याद रहते। ये थे अपनी अम्मी ने एक दिन तफैल तफैल गई जाते थे। नाम भूल गए। आपको कोई मूवी का करेक्टर बताएं? हाँ जो उनकी वाइफ के साथ मूवी थी, और जिसके अंदर उनकी वाइफ को एक बीमारी थी, वो वाली काफी अच्छी। अच्छा तो यानी कि इतनी पुरानी फिल्में आप देखती हैं, आपकी तो पैदाइश से बहुत पहले की फिल्म होगी है, कोई खास वजह इतना पीछे जो आप चली गई हैं? आई डोंट नो, वो कंटेंट शायद मुझे ज्यादा बेहतर लगता है बनिस्बत जो आपके अंदर एक पुरानी किस्म की रूह है शायद। नहीं शायद नहीं बताएं हमें, ये ना हो कि दो मिनट बाद चढ़ेलो बन जन। नहीं नहीं मगर क्या होता है सर, देखें एक तो आपके जवानी के जमाने की फिल्में देख रही हैं। कोई अच्छी बात है सर, को अपने एक सर सरदार से खुल के बोलो तुझे यार टांके खुलने वाले हैं। एहसास प्रोग्राम के तहत 20,000 रुपये। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। हमायल ये बताएं, हमायल आप हंसते कितना अच्छा लगती हैं। क्यों इतना शर्मा की रही है? हम दोस्त हैं। दोस्त हैं? हाँ अच्छे दोस्त हैं, मैं इनको फॉलो करता हूँ सोशल मीडिया पे। ये तो आपने गलत कहा है।
अच्छा जी, एदा मकसद तुसी ओथे भी नहीं गए। जिंदगी में वैसे क्या आप करना चाहती हैं? होते हैं ना कि जिंदगी एक आइडियल भी होता है कि ऐसा हीरो हो जो मेरा हम सफर हो, जिंदगी जिस तरह गुजारनी हो, सामने बैठा हो, मुजाकरात में कॉमेडियन हो, उस तरह का कभी सोचा हो? नहीं। फिर तुसी इलाज करवाओ। नहीं वैसे बता दें कोई जिंदगी में। क्या बता दूं? तो शर्मा इंज ने जिवें तुहाडा मैं मामा सोहरा होएगा। अपना सवाल ही समझ नहीं आ रहा, तुम क्लियरली बात करो ना, तुम भी तो घुमा घुमा के। लाइफ पार्टनर होना चाहिए ना जिंदगी में, जो भी हम सफर वही होता है ना सलीस उर्दू में, एक अच्छा बंदा हो जो मुझे समझ सके वैसा। तुहानू असी नहीं समझ सके, उन्होंने कितों समझना। और इसके अलावा बस ये दिखने में कैसा हो, ये जानना चाह रहे। दिखने में मुझे इतनी लुक्स मैटर नहीं करती मेरे लिए, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, संगाकारा ठीक है फिर। ठीक है, कहने की ही बातें होती हैं वैसे, लुक्स मैटर करती है। रीजनेबल लुकिंग हो, बट दैट इज अबाउट इट। अगर गुड लुकिंग इतना मैं कहूंगी कि बहुत कोई हसीन आदमी चाहिए तो और वो उसकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो जिंदगी गुजरना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जड़ी ना प्यारी होनी चाहिए। अकरम भाई भाभी ना जो भी जानते भाभी ने पूछो कौन है, कहते मेरे फूफा का मुंडा मैंने मिलना है। इस करके खूबसूरत होगा ना, लुक्स एवरेज भी चलेगी। चले अच्छी बात है, ढूंढेंगे आपके लिए इंशाल्लाह। किस फील्ड से रिलेटेड होंगे? आइडियल नहीं है कोई मेरा सच, मुझे कोई डॉक्टर इंजीनियर या कोई ऐसा मैंने कोई फैंटेसी नहीं बनाई हुई, जो किस्मत में लिखा होगा। इन्हें दसना पैना है महीने के 10-12 कुड़ियों के रिश्ते माशाल्लाह खराब कर दे, इनको कोई चॉइस ही नहीं दे रही। अच्छा, और कमाता कितना हो? मैं अपने लिए कमा लेती हूँ, तो वो जितना चाहे कमा ले अपने। अच्छी गल है, अगर तुम कमा लेंगे ना फिर तन सूट मैं ही करता जे। यार नहीं, मैं वैसे ही गल कर रहे हैं कि एक दोस्ती भी होती है ना, एक अच्छा सारा, क्योंकि वो भी बैचलर है, मैं भी बैचलर हूँ, तो आप तो आपको पता भी है क्या वो करती हैं काम? वो ब्लॉगिंग करती हैं, इन्फ्लुएंसिंग करती हैं, क्या आपको पता भी इन्फ्लुएंसर क्या होता है? हाँ, क्या होता है? ये बीमारी है, बीमारी भी सुनने मिली है। क्रॉसिंग नहीं हो, इन्फ्लुएंसर आप बताइए। सोशल मीडिया पे मैं ब्रांड्स के साथ काम करती हूँ, उनकी चीजें प्रमोट करती हूँ और चीजों के रिव्यूज करती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे भी, अपनी वेबसाइट पे भी। तो ये होती है ब्लॉगिंग और इन्फ्लुएंसिंग। तो यानी कि आप अब इस शो पे आई हैं, तो आप इसका भी रिव्यू करेंगी? नहीं, इसका तो मैं रिव्यू नहीं करूंगी, यहाँ पे तो मैं एज अ गेस्ट आई हूँ, आपने मुझे रिव्यू करने के लिए तो नहीं बुलाया। हाँ, हम रह गए। तो आप सोशल मीडिया पे हैं? वो सिर्फ चुकवा ली होंगे। मगर सोशल मीडिया का इल्म है आपको अफ्ताब से? सर, सोशल मीडिया तो आजकल मेन चल रहा है, उन्होंने बनाए हुए चीज, लेकिन मुझे शौक नहीं है क्योंकि वो उसमें बड़ा टाइम देना पड़ता है। ये देखें ना, ये टाइम किलिंग जो आप लोगों की जनरेशन गुजर रहे हैं, सर कोई मशवरा देना चाहेंगे आप? इसमें कुछ ना कुछ कंट्रोल करें कि जो हमारी ट्रेडिशन है हम उससे हट चुके हैं, तो उसमें भी काम करें। अच्छा, इंस्टा पे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? नहर से जाकर उल्टाबाजी ला दे। नहीं, वो टिकटॉक को बढ़ेगी। आप बताइए जिनको। अच्छा, हर ऐप का एक एल्गोरिथम होता है, आपने वो फॉलो करना होता है, फिर आपकी फॉलोइंग और रीच और इम्प्रेशन उसके अकॉर्डिंग। आपको बताइए ना कोई एल्गोरिथम के बारे में, क्या फॉलो करें इंस्टाग्राम का? उसके लिए आपको ना 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब आपको पता चलता है कि एक्सपीरियंस से नहीं है। मतलब आप कोई उनको इम्पार्ट नहीं करेंगे नॉलेज जो आपने 5 साल में सीखा है? सब आप रखना चाहती हैं अपने पास, राज, द सीक्रेट्स ऑफ द ट्रेड। क्योंकि अक्सर देखा है कि जस्ट पिक्चर्स हैं और सर जी 40K 50K में बैठे हुए तुम। 40K 50K तो होता कुछ भी नहीं, जस्ट रैंडम पिक्चर। अरे बात बहुत आगे निकल गई मुख्तार यार, तुम तो 40K के बैठे हो। उधर तो बात जो है वो हाफ मिलियन पे पहुंची हुई, वो तो मैं उसकी बातें कर रही है, तुम 40K। अगर एक इंसान अच्छा टैलेंटेड है, वो अपनी वीडियोस या पिक्चर्स अपलोड करता, तो उसके क्यों नहीं मतलब फॉलोअर्स? आपको ऑडियंस के साथ सीधे सीधे बात है, अपने ऑडियंस के साथ 1-on-1 कनेक्शन बिल्ड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर फॉलोइंग एनीबडी, तो आप जानना चाहेंगे वो जिंदगी में क्या, उसी तरह आप बार बार उसकी पोस्ट जाके या उसकी स्टोरीज जाके या उसकी यू नो हर चीज देखोगे, तभी आप उनको अपना टैलेंट भी दिखा सकते हो। अगर आप कनेक्शन नहीं बिल्ड करोगे तो फिर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, फिर आपकी फॉलोइंग और कुछ भी नहीं बढ़ेगा, लाइक्स भी मैटर करता है। हाँ, हैशटैग मैटर करता है, बट रिसेंटली उन्होंने एल्गोरिथम चेंज किया, तो यू शुड ओनली पुट लाइक 15 hashtags in one picture। क्या इसके पीछे मकसद क्या होता है जो इतने हैशटैग्स लगा देते हैं? हैशटैग से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम पुटिंग अ पिक्चर अप ऑफ माय हेयर और समथिंग, मैं हेयर का हैशटैग लगा दूंगी तो वो उस कैटेगरी के अंदर आ जाएगी ना। मतलब आप ये अपने तरीके से, हम अपना ये गूगल बनाते जा रहे हैं साथ साथ जी, ये इंस्टाग्राम बना रहे हैं, ये मैंने नहीं बनाया। पढ़े लिखे बच्चे ने हैशटैग लाउंदे, मैं जब भी अपने नाल हैशटैग लाया।
Jumbo? Good, how are you? You know, I am really very happy today. Achha? I got a big job in a restaurant as a manager. Oh my God. Yes, last night I was reading a big newspaper. And Oteshtiar Lagashi, ek restaurant mein manager ki pururat hai. Zarurat hai? Yes, but smart, lamba kad. And English language bolna janta ho. Theek hai. Othe main te bilkul fit saan. Oh main labda labanda othe main pahunch gaya. That was 3-star hotel. Othe 213 bande line ch lage hoye saan. But us bande ne mainu kya, you can come inside. Mainu direct hi unne kya. Oh, I went to the GM. Okay. Unne mera interview kita. Unne kya, you know it's a delegation vi aande ne. So you can receive in English. Main kya, okay sir. Kende, ethe tusi khyal rakhna ki koi banda SOP di khulaaf varzi na kare. Theek hai. Unne kya, table de utte jera vi bande do aan. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਬਹਿਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਇਟਸ ਯੋਰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਸਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਟੱਪਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰੈਸ ਬਲੈਕ ਪੈਂਟ ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟ ਇਹ ਬਲੈਕ ਟਾਈ ਐਂਡ ਰੈਡ ਬਾਸਕਟ So I went to the big shopping plaza in Landa Bazaar. Utho main window shopping kar liye. Unhone kya 8,999 rupaye de aange. Yani 90,000 hove na te fresh uniform mil jave. 90,000? 9,000. 9,000. 9,000 rupaye. 10,000 de tumhane bhi hai na is karke 19 ke. Yes. Te utthe job mil jani hai. ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 9,000 ਦੇਵਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ 9,000 ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਆਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ 19,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੋ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਓ ਆਈ ਲਵ ਪੀਟੀਆਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਬਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਹਿਸਾਸ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਮੌਤ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਐਸਓਪੀ ਨਹੀਂ ਅਬੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਾ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਆਈ ਹੈਵ ਲੋਟਸ ਆਫ ਪ੍ਰੇ ਫॉर ਯੂ ਐਂਡ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਬਸ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿ 10 ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚੁਰੱਕੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਨੀਵੇ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात हमायल आपकी बहन भी इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर हैं जी बिल्कुल ये घर के अंदर ही आप भी करती हैं और आपकी बहन भी करती हैं तो आपके मोहल्ले में तो वाईफाई फ्री होगा फिर नहीं अभी तक वाईफाई वालों ने कोई ऐसी चीज कराई नहीं लेकिन हम लोगों ने स्टार्ट साथ किया था अच्छा और फिर हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल सेपरेट कर ली अच्छा हाँ। तो कोई आपस में होती है सिबलिंग राइवलरी होती है कभी कि तुम्हारी पे उस पे इतने लाइक ज्यादा आ गए मेरे पे इतने नहीं आए नहीं ये मैंने अपने लिए सोची हुई थी ब्लॉग करते हुए पोस्ट तुमने मेरे वर्ड चोरी किए हैं नहीं हम लोग तो एक दूसरे को आइडियाज भी दे रहे होते हैं और ये हम लोग हमेशा शूट्स भी साथ करते हैं वीडियोज भी साथ बनाते हैं तो इस तरह का कोई चीज नहीं है इनफैक्ट उसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उसको अवार्ड भी मिला था अभी इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर का तो आई वाज रियली हैप्पी उनको अवार्ड मिला था इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर आई वाज नॉमिनेटेड बट शी गॉट द अवार्ड यानी कि एक बहन नॉमिनेट हुई और एक बहन जो थी वो इन्होंने वादा किया था उन्होंने आप दोनों तो सरीना विलियम और उनकी बहन की तरह मतलब दोनों ही नहीं छोड़ रही एक कैटेगरी में कितनी नॉमिनेशन थी बाकी एमन मनाल थी जन्नत और तहलील थी और साथ मैं और हेरा अच्छा एक सिस्टर्स वाला मुकाबला नहीं, 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 एमन मनाल बहने और मैं और हेरा बहने जन्नत और तहलील बहने नहीं अच्छा और आपने एमन मनाल को हरा दिया आई डोंट नो उनको
वैसे इस कैटेगरी में डालना नहीं चाहिए था, वो एक्ट्रेसेस हैं, इन्फ्लुएंसर्स तो नहीं है। तो अब तो आप देखते हैं हर किसी के नाम के साथ, मैं देखता हूँ उनके आईडी पे इन्फ्लुएंसर लगा हुआ है, तो क्या इतने एक्चुअली में लोग इन्फ्लुएंस होते हैं जितने हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स हो चुके हुए हैं? एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंगली लोगों को ये चीज पता नहीं होती कि आपकी इंप्रेशन और रीच बहुत मैटर करती है। खाली आपके फॉलोअर्स नहीं मैटर करते, वो लोग एक नंबर ऑफ सारे कहते हैं इसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इसके 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो इससे काम कराना है या ये इन्फ्लुएंस करेगी इतने लोगों को। हालांकि ये नहीं होता, जैसे मैंने अभी इनको बताया कि एल्गोरिथम चेंज होता रहता है इंस्टाग्राम का, तो अब खाली फॉलोइंग के ऊपर आपका पोस्ट ऊपर नहीं जाता, आपके रीच और इंप्रेशन के ऊपर जाता है। तो ये नॉलेज जिसने पढ़ा होगा, जिसको सोशल मीडिया का पता होगा, उसको ये चीजें सारी पता होंगी, तो वो कभी भी इन चीजों को नहीं देखेगा। तो इसीलिए हर कोई जो इन्फ्लुएंसर लिख देता है और उसकी एक सर्टन अमाउंट ऑफ फॉलोइंग भी हो जाती है, तो वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। यू हैव टू सी द रीच, यू हैव टू सी द फॉलोइंग, एंड देन यू हैव टू सी कि हाउ मेनी पीपल दे इन्फ्लुएंस इन रियल। जस्ट वांटेड टू आस्क यू, आप क्या अपने ओरिजिनल अकाउंट से ही बाकी लोगों को फॉलो करती हैं या उसके लिए कोई फेक अकाउंट बनाया? आई डोंट बिलीव इन दिस कि आपके इतने फॉलोअर्स होंगे। नहीं, अभी आजकल ट्रेंड आया हुआ है ना कि फॉलोइंग आपकी जीरो आप रखते हैं और फिर आपने एक और फेक अकाउंट बनाया होता है अजीब से, जो मुछानी फोटो लाई होती थी अभी घूम के आ जाना था, और उससे आप बाकी पूरी इंडस्ट्री को फॉलो कर रहे होते हैं। नहीं, मैं हजार लोगों को फॉलो अपने ही अकाउंट से, उसी अकाउंट से कर लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा आसान होता है, मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं। अपने अंदर ना बनो ना इन्हें, सारे क्यों रखते हैं जीरो फॉलोइंग? एक जीरो फॉलोइंग ना बड़ा स्टाइल है कि हम किसी को फॉलो नहीं कर रहे और सारे सानू कारण है, और ऊपर से कि हमें देखने की जरूरत नहीं है, जबकि मजे की बात ये है सब देखना चाह रहे होते हैं कि अच्छा वो माहिरा खान ने आज ये पहना, अच्छा वो फवाद खान ने ये किया, ये सब जानना चाहते हैं। तो माशाल्लाह एक्टिंग ना करो, सब फड़े गए हो। सब फड़े जाएंगे। मुकाबले पंजाब की हालत वेखी, 2 घंटे पूरा पंजाब पानी च क्लियर हो गया। मैं बट सर किधरे किधरे प्रॉब्लम हुई है? अगो मैं उर्दू च कह रहे सन बट आटे में नमक के बराबर। okay. मैं क्या सर यही तो मैं कह रहा भाई तुसी हकूमत विच जदों सो तुसी इन्ना काम कीता, इस हकूमत ने सिर्फ आटे च नमक दे बराबर काम कीता और पंजाब क्लियर। Oh. इस गल ते मुस्कुराए ने ते मैनू कहंदे नहीं अफजल अब निर्गोली, गो टू द सिंध, हेल्प मी आउट, जाके ते मुराद अली शाह साहब से कहो कि मुझे अपना मुआवन खसूसी बल्दियात लगवा ले। मैं क्या सर ओ तुसी ते मैं क्या एडे वड्डे ओदे ते बैठे हो, कायदे हज़्बे इख्तलाफ दी सीट ते बड़ा जवान हो ते बल्दियात दे वजीर बनोगे? मैनू कहंदे ने निर्गोली डेस्क जाब दा ओ मजा नहीं जो फील्ड जाब दा। याद ही साडा जमाना, 6 बजे मॉडल टाउन मीटिंग, 7 बजे चबुर्जी मीटिंग, 9 बजे मिनारे पाकिस्तान मीटिंग, ते मैं कह 12 बजे वजारत खजाना च ईटिंग। लाया ने सिर तो हैड क्लोज च मैंने वेख्या ने मुस्कुराए ने हल्के जे। मैं क्या सर जेडे ठेकेदार होंदे सन खुर्द बुर्द करदे सन उन्होंने जाके सोटियां नहीं सो मार दे? कहंदे ने यस। ते ए भी याद ही कि सवेरे 8 बजे उठते सन ते शाम तक 6 बंदे नौकरियों फारग भी कर देंदे सन। मैं क्या सर एस पी फारग कीता तुसी खलोते खलोते? मैंने कहंदा यस यू हैव टू डू समथिंग। ओ जमाना मैं क्या जी थोड़ा अज तक मैंने याद है उस वेले तुसी वजीर आला लगदे ही नहीं सो, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗ੍ਰੈਡੀਏਟਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਯੈਸ ਗ੍ਰੈਡੀਏਟਰ ਤੇ ਹਲਕੇ ਜੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਅਗਰ ਸਿੰਧ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂ? ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸੇ ਪੁੱਛੇ। ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਚਕਵਾਲ, ਯੈਸ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤੱਕ ਬਲਦਿਆਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਏ ਯੰਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ। ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋ? ਇੱਧਰ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮਜਾਲ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰੇੜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ। ਚਕਵਾਲ ਨੂੰ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬੈਠੇ ਨੇ।
बोलते घट ने काम ज्यादा कर देना मातहत बंदे सिर्फ ऐ करके वेखना उन्हें खैर ना लाए ने मेहमान आए हुए बात कर रहे हैं माशाल्लाह है ही मेहमान ने माशाल्लाह सोने मेहमान इतना जोड़ा एडा सोना लगता ने छो अगू लम्मी गल अपना मैडम यस मैडम वास्ते मैं कहा खुराक तो कुछ मंगा लीए अरे मैडम भी माशाल्लाह सियासत नहीं ब्लॉगर हैं इन्फ्लुएंसर हैं वही मैं देख रहा अभी मैं इन्हें किधरे देखिया नहीं सोशल मीडिया पे होते हैं मैं सोशल मीडिया से घट जाना सारे फोटो हो जाए पुराने जमाने की फोटो तो मैंने आज भी याद है फ्रैश फेस माशाल्लाह फ्रैश फेस वाइट फेस मैडम कहना ही है माशाल्लाह थैंक यू मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे बिफोर पाकिस्तान तुसी को जो बड़े सी हो तो मैं सुता सी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी तो आपसे आफ्ताब साहब आगाज करते 2020 का सरदार साहब ये बताइए चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं दो सीटें हैं उसके अंदर एक पे आप बैठ गए हैं दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं लेकिन जिस शख्स को आप साथ लेके जाएंगे उसके चांद से वापस आने की गारंटी नहीं है ठीक है तो एक तरह से उनके लिए मे बी वो वन वे राइड हो किसको लेके जाना चाहेंगे अपने साथ चांद पर आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद और जनाब जहांगीर तरीन डॉक्टर यास्मीन राशिद डॉक्टर यास्मीन राशिद को चांद पर लेके जाना चाहेंगे आप ठीक है डॉक्टर साहब आपको चांद पर लेके जाना चाहते हैं ताकि आप वहीं पर पड़ जाएंगी वो बीमारी को फिक्र ना करो तुम छोड़ती नहीं है डॉक्टर साहब ये उनका कमाल है वैसे मेरे ख्याल से अगर पंजाब कैबिनेट के अंदर किसी ने पिछले 6 महीने में काम किया है तो वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और माशाल्लाह अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे जिस जज्बे से उन्होंने काम किया है वो भी उसके रिजल्ट हमारे सामने ही है उन खुदा के वास्ते मांग पालो बिल्कुल लिटरली लगता था कि पूरी काबीना एक तरफ है और एक वो खातून जो है वो एक तरफ लगी हुई है बेशक बड़ी बात जो बात है सो बात है ये बताइए सर डूबती कश्ती में सवार हैं दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं एक आपकी अपनी दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकते हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट इनमें से आप किन को देना चाहेंगे ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी और जनाब जहांगीर तरीन बचाना जरूरी है कुछ एक को लाइफ जैकेट देनी है आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई चले मैं तीन बंदे करता हूँ शाह महमूद कुरैशी जहांगीर तरीन और चौधरी परवेज अलाई जनरल नॉलेज पे आखिरी सवाल पे आके सरदार साहब जनरल नॉलेज की तरफ चले गए हैं सर ये बता दीजिए दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुसलमान मुल्क कौन सा है पाकिस्तान में हो सकते नहीं सर पाकिस्तान नहीं है ये हमें इंडोनेशिया सर ये बता दीजिए मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे बिफोर पाकिस्तान जी द फर्स्ट President of Muslim League when it was made. बनाई तो मेरे ख्याल में कायद-ए-आज़म अहमद अली जिन्ना साहब ने थी नहीं सर जिन्ना साहब केम लेटर तुसी को जदों बड़े सी हो तो मैं सुता सी जी हां ठीक है ऐसा नहीं लगा आप वापस जाना चाहेंगे उस सवाल के ऊपर चलो सर उसी चलते हैं उसी पे चलते हैं सर किसको लाइफ जैकेट मिल रही है चौधरी परवेज अलाई को दे दी परवेज अलाई साहब को दे दी है ठीक है बूढ़े आदमी है उन्हें दे दें ठीक है डन जी हिमाल देख लिया आपने जी ये बताइए मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है रोज सुबह उठेंगी आपकी नजर उस जॉइंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी किसका चेहरा देखना चाहेंगी उस तस्वीर में आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद चौधरी और डॉक्टर आमिर लियाकत फवाद चौधरी साहब आप हैं वो ये बताइए टाइटैनिक पर जाने का वक्त है दो वीआईपी पास आपके पास हैं एक आपको अपना दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी और क्यों ऑप्शंस आपके पास हैं यासिर हुसैन और अहमद अली भट्ट यासिर हुसैन कोई खास वजह टाइटैनिक डूब जाता है ना ठीक है ये बताएं एक अवार्ड शो पे आप जा रही हैं आप गाड़ी ड्राइव कर लेती हैं नहीं मैंने आपकी बहन ड्राइव कर लेती बहन ड्राइव कर ले चलें फिर आप और बहन दोनों जा रहे हैं अवार्ड शो पे ठीक है और पीछे 3 सीट्स बाकी हैं कौन होंगी वो 3 ख्वातीन जो कि आपके साथ जाएंगी अवार्ड शो के ऊपर ऑप्शंस आपके पास हैं मावरा हुसैन महविश हयात सारा खान और सज्जल अली सारा खान सज्जल अली और महविश हयात मावरा हुसैन को आपने नई जगह दी गाड़ी में ठीक है पास गाड़ी है मुझे लगता है बताइए फिर डूबती कश्ती दो लाइफ जैकेट से एक आपकी अपनी दूसरी आपने किसी को देनी है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देना चाहेंगी ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मिकाल जुल्फिकार बिलाल अशरफ बिलाल अब्बास और हमजा अब्बासी क्यों ऑप्शन में से यही बेहतर था बिलाल अशरफ मिकाल जुल्फिकार बिलाल अब्बास और हमजा अब्बासी के अंदर से उनको ऑप्शन में से सिर्फ यही बेहतर लगा ठीक है जबरदस्त खुदा साहब थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया शोभा तशरीफ लाने का हमायल आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों अपना ख्याल रखिएगा सर आ जाए ना जरा